वेलकम गाइज, जेके लोन जॉब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए जेके लोन जॉब चैनल को और पाते रहे नर्सिंग, फार्मेसी, पैरामेडिकल की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम। सो गाइज, इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आपका जो बीएस नर्सिंग का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, ठीक है, और आपका जो पैरामेडिकल का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, फार्मेसी का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, इनकी तैयारी कैसे करें, ठीक है। सभी का ये क्वेश्चन है कि किस प्रकार हम प्रिपरेशन कर सकते हैं, तो मैंने इसके लिए स्पेशल वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है। आपने देखा नहीं होगा तो प्लीज़ उसको देख लीजिए, ठीक है। फॉर्म कब आएंगे तो हम बीएचयू के भी अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा आपका जो भी स्टेट है वो मेरे को पता है कि कमेंट आए यूपी के हैं, एमपी के हैं, ठीक है, आसाम के भी कमेंट है, उत्तराखंड के भी कमेंट है, यहाँ पर तो जब भी आएगा आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आपका जो भी स्टेट है ना, प्लीज़ कमेंट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मेरे को पता लग सके और उसके ऊपर वीडियो आपको मिल जाए, ठीक है। तो देखो, अभी बीएचयू में अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा जहाँ पर भी आपको राजस्थान का भी मेरे को पता है, ठीक है, यहाँ तक कमेंट आ चुके हैं। इसके अलावा आपका जो भी स्टेट है ना, तो कमेंट कर दो, सिंपल सी बात है, ताकि मेरे को पता लग जाए। क्योंकि ये जो अभी टाइम है ना, ये जुलाई टाइम और अगस्त, ये एंट्रेंस एग्ज़ाम का टाइम है। ज़्यादा से ज़्यादा एंट्रेंस एग्ज़ाम के फॉर्म अभी भरे जाएंगे इसी टाइम पर। सो मैं नहीं चाहता आपका साल बर्बाद हो, तो जल्दी से कमेंट करो जितना हो सके। आपका स्टेट जो भी हो, जिसका भी आप कुछ जानना चाहते हो नर्सिंग पैरामेडिकल, देखो नर्सिंग में बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, बीएस नर्सिंग होता है, जेएनएम होता है, एएनएम होता है ना, पैरामेडिकल में बहुत सारे होते हैं, डीएमएलटी, बीएमएलटी, सीएमएलटी है ना, तो फार्मेसी में डीफार्मा, बी फार्मा, ये सब बहुत सारे होते हैं। आप तो कमेंट कर देना कि इसका हमें बताइए, हम यहाँ से बिलोंग करते हैं, उसके ऊपर वीडियो मिल जाएगा आपको, सिंपल सी बात है, ठीक है। और तैयारी कैसे करें, इसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी लिंक दिया हुआ है वीडियो का, मैंने पहले बना दिया था, वो आप देख सकते हो। और बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जितना हो सके कीजिए, बहुत सारे नए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मैंने अपलोड किए हुए, नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उनको देख सकते हो, ठीक है। सो गाइज, अभी और इस टाइम पे बीएचयू में ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर सितंबर में आपके फॉर्म आ जाएंगे, ठीक है। यूपी की बात करें तो उत्तर प्रदेश में, तो इसके अलावा आपका जो भी स्टेट है जैसे कि बीएचयू, इसके अलावा ओदर एग्ज़ाम भी यहाँ पर भरे जाते हैं, उसके फॉर्म कब भरे जाएंगे, लास्ट जुलाई, इसके चांसेज है। एमपी की बात करें, यहाँ पर जीएनटीएसटी और पीएनएसटी के फॉर्म भरे जाते हैं, बट यहाँ पर प्रॉब्लम फंसी हुई है एमपी में, वो प्रॉब्लम है अभी 2019 की सीटें वैकेंट है 360, ठीक है, तो पहले उनको भरा जाएगा, उनको भरने के बाद ही 2020 के स्टूडेंट के बारे में सोचा जाएगा। सो यहाँ पर फॉर्म आना थोड़ा मुश्किल है, डिपार्टमेंट से कोई भी सूचना आएगी तभी इधर कुछ सॉल्यूशन निकल पाएगा, ठीक है। तो मध्य प्रदेश वालों से मैं यही कहना चाहूँगा कि आप बीएचयू, जिपमर, एम्स, आरएचएस, इनमें अप्लाई कर दो, बेस्ट रहेगा आपके लिए, अगर आपको गवर्नमेंट से करना है तो। अगर आपको प्राइवेट से करना है तो मध्य प्रदेश में आप कोई सा भी प्राइवेट कॉलेज देख लो, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि राजस्थान की, तो मैंने पहले बात कर ली। उत्तराखंड की बात करें तो बहुत जल्द यहाँ पर आने वाले उत्तराखंड वाले, एक्टिव हो जाओ, यहाँ पर बहुत जल्द बीएस नर्सिंग के फॉर्म बनने वाले, पैरामेडिकल के, फार्मेसी के, ठीक है। तो तैयार रहना, एक्टिव रहना, एक्टिव कैसे, सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दो, सिंपल सी बात है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि आपका आसाम है, इसके अलावा जो भी आपका स्टेट है कमेंट कर दो, इंडिया के जितने भी स्टेट से आप देख रहे हो ना, कमेंट कर दो, इसके ऊपर वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। तैयारी कैसे करें, तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाके आप तैयारी कर सकते हो। बहुत सारे एमसीक्यूज, सेट कॉम की क्लासिकल लिंक, एनसीईआरटी कैसे पढ़नी है, एनसीईआरटी तो इंपॉर्टेंट है, एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए एनसीईआरटी फर्स्ट प्रायोरिटी देता हूँ मैं, ठीक है। तो एनसीईआरटी भी मैंने पढ़ा रखी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओ यार आप, ठीक है, वहाँ से देख लो और तैयारी शुरू कर दो। फॉर्म आने वाले, बस कुछ थोड़ा सा टाइम बाकी है, ठीक है ना, और बहुत जल्दी वीडियो मिल जाएगा जैसे फॉर्म आएंगे, ठीक है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओ यार आप, और लिंक दिए हुए उनको देख लो, ठीक है, बहुत सारे लिंक दिए हुए, जो भी आपने वीडियो नहीं देखा है तो उनको देखो अच्छे से, ठीक है, और समझो, क्वेश्चन वहीं से आएंगे आपके, ठीक है। फॉर्म वॉर्म की टेंशन मत करो, फॉर्म तो जैसे आएंगे ना मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन जाइए और लिंक पर क्लिक करके वीडियो को देख लीजिए, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ लो,